नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं? आप सब आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को बता दूं कि नवरात्रे आने वाले हैं। 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और माता रानी जो है वो घोड़े पर बैठकर आ रही है। घोड़े पर बैठ के आने का संकेत ये होता है कि किसी भी तरह का युद्ध हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी समाज में। हमारे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होने की संभावना हो जाती है। लेकिन नवरात्रे पर आपको कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए जिन्हें करने से माता रानी खुश होती है और आपको आशीर्वाद देती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यानी कि मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आज आपको कि एक खास उपाय जिसे आपको करना ही चाहिए नवरात्रि पर और चीज़ें लाइफ में आपको बेहतर हो सकती हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ कि नवरात्रि के समय आपको कोशिश करना चाहिए कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। वेजिटेरियन रहिए, सात्विक भोजन खाइए, किसी भी तरह से लहसुन प्याज का सेवन ना करें, सेंधा नमक का खाना घर पर बना हुआ खाना ही खाए, बाहर का खाना नहीं खाना है, अवॉइड करना चाहिए। तेल मसाला का प्रयोग कम करिए, नमक का प्रयोग भी कम करिए। हो सके तो व्रत अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तबीयत अगर ख़राब है, आपको गवाही नहीं देती, आपकी बॉडी पर मेडिटेशन करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मानसिक पूजा कर सकते हैं, मतलब मन से आप चिंतन करिए भगवान का, हर समय मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करिए, ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः का जाप करिए। दुर्गा माँ का किसी भी मंत्र का जाप मन मन में बैठकर आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वक्त नहीं करनी चाहिए किसी से भी लड़ाई, किसी से भी झगड़ा, आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। चाहे आपका जितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, इस वक्त अगर आपके घर पे आ जाए तो उसको बिना भोजन कराए घर से जाने मत दीजिए। गरीबों की मदद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी मेड, आपके आस पास में जो लोग रहते हैं जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है, उन्हें हेल्प करिए। उनकी ज़रूरत का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। अखंड जोत अगर संभव हो तो अपने घर पर ज़रूर आप जोत जलाइए। घी का दीपक जला सकते हैं तो घी का जोत जलाइए, नहीं तो फिर तिल का जोत भी आप जला सकते हैं। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करिए, खासकर स्त्रियों का सम्मान ज़रूर करिए। आप अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बेहतर नहीं हो पा रही, तो आप डोनेशन कर सकते हैं। आपकी कोई भी मन्नत अगर आप चाहते हैं तो मन्नत रख के इस वक्त भंडारा करवा सकते हैं, किसी भी मंदिर के सामने ले जाकर या कहीं पर भी जहाँ गरीब लोग रहते हैं या फिर जो भी मतलब पॉवर्टी वाली एरिया है जहाँ पर, वहाँ पर जाके आप भंडारा करवा दीजिए, लोगों को खिला दीजिए। इससे आपकी मन्नत जो है वो जल्दी पूरी हो जाती है। कभी भी भंडारा का खाना आपको घर पर लाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप अपने दुख कष्ट तकलीफ़ों को ना आए इसके लिए भंडारा करवा रहे हैं और वही चीज़ें घर पर लाके खाते तो ये आपके लिए हानिकारक है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको उपवास करना अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम डोनेशन आपको कर लेने चाहिए। भजन ज़रूर सुने, सुबह के समय शाम के समय भजन ज़रूर करें, माता की दुर्गा चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें, पंचमेवे का भोग ज़रूर माता रानी को लगाइए। इस वक्त कोई भी पेड़ पौधा लाकर अपने घर पर या कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर भी जाके आप प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को अपने घर पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप जैसे जैसे वो पेड़ पौधे बड़े होंगे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपकी चीज़ें बेहतर लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। पानी ज़रूर डालें पेड़ पौधों पर, जल अवश्य दें। आज 9 तारीख के बाद से नवरात्रि के समय किसी भी जानवर को भोजन करवाना शुभ होता है। किसी भी समय, ऐसा नहीं कि नवरात्रि के समय, या वैसे भी गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, चिड़िया को रोटी, पानी की व्यवस्था जानवरों के लिए करवा देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गंगा जल का छिड़काव घर पर करना, गंगा जल का पीना, गंगा जल डालकर पानी में नहाना अति आवश्यक है और ये आपके लिए अच्छा भी साबित होगा। लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ में बैठें, ऊन का आसन बिछाकर ही पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर संभव हो तो ज़रूर करें। पाठ का आवाज़, आपका जो स्वर है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़े, आप ऊँचे आवाज़ में पाठ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फल इसका अच्छा मिलता है। इसके अलावा भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। मंगल का साल है, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अति आवश्यक है, बजरंग बली की पूजा करिए। पलंग पर जो भी व्यक्ति उपवासी है, जो भी व्यक्ति व्रती है, वो अपने बाल कंघी नहीं करें, वो चमड़े की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, ये सारी चीज़ें कपड़े के होने चाहिए, आप बिल्कुल भी जो अवॉइड करें चमड़ा का चीज़। आपको कहीं पर भी किसी के घर पर बैठ कर खाना पानी पीना नहीं चाहिए, आपको खुद का जो भी आप जहाँ पर भी जहाँ से रखकर पूजा करें अपने घर का ही खाना पानी पियेंगे, बाहर कहीं जाकर
किसी भी स्थान पर जाके बैठना उचित नहीं होता। इसके अलावा आपको पलंग पर भी नहीं सोना है, आपको नीचे फर्श का आप बिस्तर बनाइए, बिचाली की या बिस्तर बनाइए, वहाँ पर सोइए, तकिए का त्याग करिए। कंफर्ट जोन से निकलना ही नवरात्रि का पालन करना है, यानी कि आप उस सुख सुविधाओं को त्याग कर एक संत की तरह जीवन आप व्यतीत करें। आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, दाढ़ी मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए, नेल्स नहीं कटवानी चाहिए। आपको जितना ज़्यादा संभव हो हर वक्त भगवान का नाम जप कर सकते हैं तो नाम जप करिए। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं। जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो अखंड दीप जलाने की कोशिश करें घर पर। अगर दीप बुझ जाती है तो कोई बात नहीं, समझिए आपके कष्टों का अंत हो गया, वापस से प्रज्वलित कर लीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं है। खेतरी बीज सकते हैं आप चाहे तो, जौ का जो वृक्ष निकलता है घट बैठा सकते हैं आप। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। आप डोनेशंस जरूर मंदिर में जाके करके अपने नाम का अपनी चीज़ों का। आप बच्चों को भोजन जरूर करवाएं, नौ कम से कम अगर आप उपवास नहीं भी कर पा रहे तो नौमी के दिन या अष्टमी वाले दिन नौ कन्या को बुलाकर अपने घर पर जरूर खिलाइए। और अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम कुछ भी जो भी पॉसिबल है हलवा बनाकर मीठा भोग बच्चों को खिला दीजिए। ऐसा करने से भी चीज़ें लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाती है। आशा करते हैं मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सबसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।